नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। शाम के 7 बज चुके हैं और वक्त है खबर दमदार का। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे चार बड़ी खबरों के साथ। आखिरी चरण को साधने के लिए अमित शाह आज यूपी के रण में उतरे तो उन्होंने परिवारवाद और माफिया राज को लेकर विपक्ष को जमकर घेरा। एक तरफ अमित शाह ने पूर्वांचल में धुआंधार प्रचार किया तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक के बाद एक चार रैलियों को संबोधित किया, सम्मेलन में शिरकत की। सातवें चरण में यूपी में सबसे हॉट सीट वाराणसी में चुनाव होना है और वाराणसी से सियासी संदेश देने के लिए बीजेपी के तमाम दिग्गज इस वक्त काशी में डेरा डाले हुए हैं। वहीं आखिरी खबर अफजाल अंसारी से जुड़ी हुई है। अफजाल अंसारी चुनाव लड़ेंगे या फिर नहीं लड़ेंगे, अभी इस पर फैसला होना बाकी है। कोर्ट से आज भी अफजाल को राहत नहीं मिली है। सातवें चरण को साधने के लिए गृहमंत्री अमित शाह यूपी के उतरे। पूर्वांचल की धरती पर अमित शाह ने धुआंधार कई जनसभाओं को संबोधित किया। कुशीनगर, सलेमपुर, चंदौली और वाराणसी में जनसभा को संबोधित करते हुए वो नजर आए और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील की। तो गृहमंत्री अमित शाह एक के बाद एक कई रैलियों में शिरकत करते नजर आए, लोगों को संबोधित किया, डबल इंजन के सरकार की उपलब्धियों को गिनाया और बताया कि क्यों तीसरी बार केंद्र में मोदी सरकार जरूरी है। सातवें चरण में उत्तर प्रदेश की जिन सीटों पर चुनाव होना है, बिहार, वहां पर चुनाव प्रचार चल रहा है। इसी क्रम में कुशीनगर, सलेमपुर, चंदौली में गृहमंत्री अमित शाह रैली करते हुए नजर आए। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए उन्होंने वोट की अपील की, जहां एक तरफ सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया तो साथ ही साथ विपक्षी गठबंधन पर एक एक कर निशाना भी साधा। तो चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। गृहमंत्री ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जहां परिवारवाद को लेकर निशाना साधा तो वहीं उन्होंने 4 जून को तीसरी बार बीजेपी सरकार बनने का दावा भी किया। चार तारीख का परिणाम कहता हूं राहुल बाबा, पार्टी को 40 भी पार करना नहीं है, मेरी बात याद रखना। और अखिलेश बाबू, कितना भी आपके प्रति सहानुभूति से मैं बात करूं, आपका 4 भी पार नहीं होना है, 4 भी पार। और 4 तारीख को दोपहर को आप देख लेना, ये राहुल बाबा के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि ये ईवीएम के कारण हम हारे। और खड़गे साहब, आप भी समझ लेना, ये भाई बहन पर ठीकरा नहीं फूटने वाला है, ये भाई बहन पर ठीकरा नहीं फूटेगा, हार का ठीकरा खड़गे साहब पर फूटेगा और उनकी नौकरी जाने वाली। मुझे बताओ, हमारे अध्यक्ष पहले कहे कि यहां पर एक जिला एक माफिया, अब कोई दिखाई पड़ता है क्या? अरे जोर से बोलो, दिखाई पड़ता है क्या? 2017 में आपने भाजपा सरकार बनाई, भाजपा ने योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया, योगी जी ने माफियाओं को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम किया। इतना नहीं, सिर्फ उल्टा लटका कर सीधा किया, ये वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया में मानते थे, हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कर दिया और युवाओं को रोजगारी देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। यूपी में आखिरी चरण को साधने के लिए सभी सियासी दिग्गज चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। सातवें चरण के लिए पूर्वांचल की लड़ाई साधने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज धुआंधार प्रचार किया। सीएम योगी ने 4 लोकसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित किया, घोसी, बलिया, रॉबर्ट्सगंज और वाराणसी लोकसभा क्षेत्र में रैलियों को संबोधित किया, वाराणसी में अधिवक्ता सम्मेलन में भी शामिल हुए। सीएम योगी आदित्यनाथ जहां कानून व्यवस्था के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को घेरते हुए नजर आए तो उन्होंने पूर्वांचल में बीजेपी सरकार में किए गए कामों को भी गिनाया। और इन माफियाओं को, इन निर्दोष लोगों की हत्या करने की छूट सत्ता कैसे दे देती है,
और इसीलिए तो हम कहते रहे हैं हमारा भी संकल्प, अगर उनका संकल्प बीजेपी के जनप्रतिनिधियों को मारने का था, उनका संकल्प गरीब के बेटे को मारने का था, तो हमारा भी संकल्प था कि माफिया को मिट्टी में मिला करके रहेंगे। और बहनों और भाइयों, आज माफिया मिट्टी में मिल गए तो लाखों करोड़ रुपया निवेश यूपी में आ रहा है। और मैं कह सकता हूं आपको, जो यहां पे निरस्त कर कह रहे थे, जो वो कह रहे थे कि यहां के पूर्वांचल के नौजवानों को पूर्वांचल में नौकरी चाहिए, हमारा भी यही संकल्प है। पूरी दुनिया जानती, देश जानता है मोदी जी रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगे। लेकिन बहनों और भाइयों, जो कि यहां से हमारा विधायक नील रतन पटेल अस्वस्थ होने के कारण चुनावी सभा में नहीं आ सकता था, इसलिए मैंने कहा उनकी बिटिया है, लेकिन वो स्वयं नहीं आ सकते थे, इसलिए मैंने कहा मैं स्वयं जाऊंगा, जनता जनार्दन से अपील करूंगा, मोदी जी की आपको आप तक पहुंचाऊंगा और आपसे अपील करूंगा, विकास जितना काशी में हुआ है, मोदी जी ने कहा है ये तो एक झलक है, अभी तो ये ट्रेलर है, अभी तो पूरी फिल्म विकास की आगे बढ़ रही है। वाराणसी पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुनकरों को संबोधित किया। जेपी नड्डा ने कहा कि बीजेपी सरकार में बुनकरों के लिए काफी काम हुआ है, बुनकरों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने मुद्रा लोन देकर उनकी सहायता की। इससे पहले काल भैरव के उन्होंने दर्शन पूजन भी किए। 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे मनाने का, यानी बुनकर भाइयों के लिए भी एक दिन है जिस दिन को याद करके सरकार समाज किस तरीके से आगे हमारे बुनकर भाई देश को ले जा रहे हैं उसके बारे में भी चर्चा हो, उसको भी आगे बढ़ाने का काम किया है। मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि हैंडलूम क्षेत्र में भारत का टर्नओवर 5 गुना बढ़ गया है, 5 गुना। मुझे ये जो हमारी खादी है ये 3 गुना बढ़ गया है, और हमारे यहां जो खादी के कपड़े हैं बने बनाए उसका टर्नओवर 5 गुना बढ़ गया है। तो लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में इंडिया गठबंधन के मुद्दे को लोगों तक पहुंचाने के लिए अखिलेश यादव ने गाजीपुर और चंदौली में जनसभा को संबोधित किया। गाजीपुर में अखिलेश यादव ने अफजाल अंसारी के पक्ष में जनसभा की। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार में किसान नौजवान परेशान है, किसानों को अनाज नहीं मिल पा रहे हैं, पेपर लीक होने से युवा परेशान है, और जो लोग हैं सत्ता में वो जान गए हैं कि 4 जून के बाद उनकी सरकार बनने वाली नहीं है, वो ये स्वीकार कर चुके हैं कि 4 जून के बाद उनकी सरकार नहीं बनने जा रही है, इसीलिए उनकी भाषा बदल गई है, उनका व्यवहार बदल गया है, लखनऊ वाले तो लखनऊ वाले, दिल्ली वालों का भी भाषा बदल गई है। चंदौली में अखिलेश यादव की जनसभा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब समाजवादी पार्टी के समर्थक अखिलेश यादव के भाषण के दौरान टेंट के ऊपर चढ़ गए। जान जोखिम में डालकर टेंट के ऊपर चढ़े 3 लोगों को देखकर वहां मौजूद लोग उनसे नीचे उतरने की अपील करते हुए नजर आए। महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में 1 जून को वोटिंग होनी है। आज एनडीए प्रत्याशी पक्ष में ओम प्रकाश राजभर जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे। इस दौरान ओम प्रकाश राजभर ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर बात करते हुए कहा कि दोनों नेता झूठे हैं और उनके पास कोई विजन नहीं है। देखिए, उनके पास कोई विजन तो है नहीं। हम बिजली का बिल समाप्त करने के लिए लड़ रहे हैं, हम गरीबों को आवास देने के लिए लड़ रहे हैं, हम गरीबों को रोजगार परक शिक्षा देने के लिए लड़ रहे हैं, हम महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए लड़ रहे हैं, हम 3 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास देने के लिए लड़ रहे हैं। आई लोग झूठ बोलते हैं, जो राहुल जी और ये अखिलेश जी बोल रहे हैं ना, ये झूठ बोलने की मशीन है। एक बात बताएं, 4 जून के जब
इस टीवी स्क्रीन पर 400 पार जब रिजल्ट आने लगेगा तो अखिलेश जी को, राहुल जी को याद आएगा, ओम प्रकाश राय तब वो गाना गाएंगे, वो गाना गाएंगे कि दिल के टुकड़े करके मुस्करा के चल दिए, जाते जाते ये तो बता जो बता जा हम जिएंगे किसके लिए। आजमगढ़ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ ने यूपी में अभी 80 सीट पर जीत का दावा किया। वहीं अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन खत्म है, ये लोग गुंडे माफिया को शरण देते हैं, गुंडे माफिया को शह देना समाजवादी पार्टी का चरित्र है। वो भी नहीं आ रहे हैं, उनको पता है कि इनका कुछ होना नहीं है, ये जो इंडी गठबंधन है खत्म है, उनका कौन प्रधानमंत्री बनेगा उनको पता ही नहीं है, कुछ नहीं, इनका वही पुराना खेल है। ये लोग हमेशा गुंडे माफिया अपराधी ऐसे लोगों को हिस्सा देते हैं। आजमगढ़ में भी ये लोग इनको 10 विधायक मिले, 10-10 विधायक, किया क्या इन्होंने? आजमगढ़ में ये गुंडों को सह देते थे, माफियाओं को सह देते थे, आतंक का गढ़ बना दिया आजमगढ़ को। वो तो 1.5 साल में जब हम लोग आए हैं तो जाके वहाँ की छवि बदली है, और समाजवादी पार्टी को जब मौका मिलेगा तो वो यही करेगी, उसका उसके चरित्र में यही है, गुंडे माफिया इन्हीं को सह देना, उनको पालना, ये उनका काम है। राहुल गांधी आज बिहार के दौरे पर थे, पालीगंज में चुनावी सभा के दौरान राहुल गांधी का मंच धंस गया। राहुल गांधी मंच पर मौजूद थे, मंच से वो गिरने से बच गए। मीसा भारती ने हाथ पकड़कर राहुल को संभाला। राहुल गांधी पाटलिपुत्र से आरजेडी प्रत्याशी मीसा भारती के समर्थन में चुनाव प्रचार कर पहुंचे। काशी में प्रचार के दौरान सांसद मनोज तिवारी, एक दिलचस्प उनका वीडियो सामने आया है जहां पर एक महिला की दुकान पर वो जैसे ही पहुंचे महिला बेहद खुश हो गई। उन्होंने मनोज तिवारी को दुकान के अंदर बिठा लिया और अपने बेटे को फोन कर उनसे मिलने के लिए बुलाया। जब तक महिला का बेटा नहीं पहुंचा मनोज तिवारी वहां पर रुके रहे। जब उसका बेटा आया तो मनोज तिवारी से गले मिला और उनके साथ सेल्फी ली। इस वीडियो को मनोज तिवारी ने खुद अपने एक्स अकाउंट पर शेयर किया। चुनाव से पहले वाराणसी में दिग्गजों का जमावड़ा लगा हुआ है। केंद्रीय मंत्री पीयूष वाराणसी पहुंचे और मॉर्निंग वॉक कर रहे लोगों के साथ योग किया। योग के बाद पीयूष गोयल ने लोगों से बातचीत की और युवा उद्यमियों को अपने साथ जुड़ने के लिए उनसे चर्चा की। गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद और प्रत्याशी अफजाल अंसारी की अपील पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट में बहस पूरी नहीं होने की वजह से सुनवाई टल गई। अभी सुनवाई जून के पहले सप्ताह में हो सकती है। कोर्ट ने भी सुनवाई की तारीख तय नहीं की। तो अफजाल अंसारी ने अपनी सभा को चुनौती दी है। आज उनकी याचिका पर दोनों पक्षों की तरफ से दलील दी गई और दलील सुनने के बाद फिलहाल फैसला अभी इस पर आया नहीं है, टल गई है सुनवाई। अब जून के पहले हफ्ते में बहुत संभव है कि अफजाल अंसारी के मामले में फैसला आए। मेरठ शहर से समाजवादी पार्टी के विधायक रफीक अंसारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। लखनऊ से मेरठ लौटते वक्त बाराबंकी से उनकी गिरफ्तारी हुई। रफीक अंसारी कई दिनों से अंडरग्राउंड चल रहे थे, पुलिस उनकी तलाश में छापेमारी कर रही थी। अंसारी के खिलाफ कोर्ट से NBW यानी कि गैर जमानती वारंट जारी हुआ, बावजूद वो कोर्ट में पेश नहीं हुए थे और आज उन्हें गिरफ्तार किया गया। उन्नाव सदर से बीजेपी के विधायक पंकज गुप्ता ने सराहनीय पहल की। सड़क किनारे झोपड़ी बनाकर रह रहे लोगों को बीजेपी विधायक पंकज गुप्ता ने टेबल फैन बांटे, साथ ही उन्हें बिजली कनेक्शन भी दिलवाया। सदर विधायक पंकज गुप्ता ने बताया कि स्थानीय लोगों से इन परिवारों की सूचना उनको मिली थी, जिसके बाद वो मदद के लिए पहुंचे। भीषण विभीषिका चल रही है और जगह जगह से जानकारी मिल रही है कि किस प्रकार से घटनाएं हो रही है। हमारे क्षेत्र में भी ये तमाम लोग सड़क किनारे रह रहे हैं और इनके पास न कनेक्शन न विद्युत उपकरण जिसके माध्यम से गर्मी की व्यवस्था से संघर्ष कर सकते हैं। यह विषय हमारे पास तमाम लोगों के माध्यम से आया था और आज हम लोग जितने भी डेरे यहाँ पर सभी को जन सहयोग से अपनी तरफ से एक एक सुविधा और कनेक्शन देकर यार रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।